जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ छठ पर्व की लोक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कथा के अनुसार शारदी नाम के एक राजा थे। उनकी अनेक रानियाँ थी, किंतु सभी रानियों से उन्हें मात्र संतान के रूप में एक कन्या जन्मी थी। उसका नाम सुकन्या रखा। इकलौती संतान होने के कारण वह बहुत प्रिय थी। एक दिन राजा सैनिकों के साथ 10 दिन जंगल में शिकार के लिए गए। अपनी सखियों के साथ राजकुमारी सुकन्या भी राजा के साथ थी। संयोग से सुकन्या एक दिन फूल लेने सखियों के साथ उस जगह पहुंच गई जहां चयवन मुनि ध्यान मग्न तपस्या में इतने वर्षों तक लीन रहे थे कि उनका शरीर मिट्टी का ढेरी बन कर रह गया। सिर्फ 2 आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। सुकन्या ने कौतूहलवश उस बाबा के दोनों छिद्रों से, जहां से प्रकाश आ रहा था, तिनके डाल दिए, जिसके फलस्वरूप मुनि की आंखों से रक्त की धार बहने लगी और श्राप से जंगल में आए हुए सभी सैनिकों का मल मूत्र का निकलना बंद हो गया। सभी छटपटाने लगे तो सुकन्या ने अपना अपराध निवेदन किया। राजा श्यादि तुरंत उसी स्थान पर सुकन्या को लेकर गए और चयवन ऋषि से अनजान में हुए अपराध की क्षमा मांगते हुए कहा कि मैं सेवा के लिए सुकन्या को आपके समर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार करें। राजा के ऐसे विनम्र वचन सुनकर मुनि प्रसन्न हो गए। सुकन्या ऋषि के समीप रहकर उनकी सेवा करने लगी। जल लाने सुकन्या एक दिन पुष्करिणी के समीप गई। वहां पर उसने नाग कन्याओं को सूर्य आराधना व पूजन करते हुए देखा तो सुकन्या ने नाग कन्या से व्रत पूजन का कारण पूछा। नाग कन्या ने बताया कि कार्तिक मास में पश्चि को सूर्य की उपासना एवं व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इतना सुनते ही सुकन्या ने भी बड़ी निष्ठा के साथ पश्चि का व्रत व पूजन किया। इसके करने से चयवन ऋषि को आंखों की ज्योति वापस मिल गई। यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।